केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने नवयुवा मतदाता संवाद बैठक में भाग लिया। बैठक में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में युवाओं की अहम भूमिका रही है। आने वाले चुनाव में युवा मतदाता ही निर्णायक होंगे। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए ये गौरव की बात है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में वोटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इस बार लगभग 14 करोड़ युवा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक अच्छे भारतवासी होने के नाते सभी उसको स्वीकार करते हैं, तो भगवान का मत भी एक ही है कि मोदी जी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्बाद हो गई, लेकिन 14 करोड़ युवा वोटरों की अपेक्षा रहेगी 2024 के चुनाव में। हमारे आने वाली पीढ़ी, आप लोग, हमारे बच्चे भौगोलिक मापदंडों पर पूरा हो सके ताकि भारत भौगोलिक शिखर पर खड़ा हो। तो आप ये समझिए कि कितना अनुकूल वातावरण पिछले 8-9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है, और आप उसके आगे गाढ़वा को पढ़ाने वाले साथी रहे। आज केवल आपसे ये कहना है कि आप वोट भी करवाइए, उनको समझाइए भी, अपनी ताकत को समझिए, युवाओं की ताकत को समझिए।